तो देखते हैं इस मैच में कौन सा टीम प्रथम है, अपनी टीम के लिए स्कोर ला सकती है, क्या टीम है यूनिकॉर्न डीपीएस या टीम है टू इलेवन संभल। तो यहाँ पर शंकर गोप मंच पे आएंगे। शंकर गोप अब दोनों टीम के पास अच्छी डिसिप्लिन टीम में डिसिप्लिन प्यार है, क्योंकि डिसिप्लिन का यानी डिसिप्लिन का जो दूसरा नाम है वो है खिलाड़ी। तो देखते हैं यहाँ पर खिलाड़ी किस प्रकार से अपने टीम के लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए खेलेंगे। दोनों टीम के पास कोई कमी नहीं है, स्टार की भरमार है। अब फॉल रहेगा यहाँ पर, जैसे भाई एटी थोड़ी से टेकल कर बैठे, स्टम्पिंग कर बैठे यहाँ पर बैक साइड से, और एक फॉल यहाँ पर इस मैच का प्रथम फॉल लेता हुआ टीम है यूनिकॉर्न डीपीएस फॉरवर्ड। आज का बहुत बड़ा मुकाबला, एकदम अकदार मुकाबला, जो कि यूनिकॉर्न डीपीएस है और टुल्लू इलेवन चांदपुर में, दोनों ही टीम में काफी चर्चित खिलाड़ी मौजूद है, जिसे यूनिकॉर्न में जगन्नाथ जैसे खिलाड़ी, जबकि चांदपुर में मिंटू जैसे खिलाड़ी। अगर मिंटू की बात करते हैं, काफी बार साइकिल ले चुके हैं मिंटू, दो साल पहले एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला था, जबकि यूनिकॉर्न डीपीएस की बात करते हो उसमें भी काफी चर्चित खिलाड़ी, जैसे कि गोलकीपर से मौजूद अभय गोप, जो कि अभी हाल ही में बिजू पटनायक मेमोरियल टूर्नामेंट पे बेस्ट गोलकीपर के पुरस्कार जीते थे। उनके साथ साथ खिलाड़ी जो टीम के कप्तान भी हैं, एवं मैन ऑफ द सीरीज जोड़ा पे, दोनों टीम में काफी नामी नामी खिलाड़ी, शानदार विकेट रामराज जैसे खिलाड़ी भी मौजूद। आज का हाई बॉल मुकाबला चलता हुआ टुल्लू इलेवन शानदार विकेट यूनिकॉर्न डीपीएस। रामराय का पास ब्रूस निकल पर बोल चले जाता हुआ खिलाड़ी, क्यों जब जिला के नाम पर चित कर जो छह नंबर पे मौजूद बोल को काफी तेज रफ्तार से बोल भागने के बदले पर एक गलत पास के जरिए बोल मिलता यूनिकॉर्न डीपीएस को। यूनिकॉर्न डीपीएस बोल भागने के बदले में टीम की कप्तान के पास गया 10 नंबर का पास, साथी खिलाड़ी 7 नंबर के लिए 7 नंबर का क्रॉस, साथी खिलाड़ी के लिए 4 रन का शॉट इसे बीते सुमित मौजूद। अरे गलत पास के जरिए यूनिकॉर्न डीपीएस को फिर से बॉल मिलता हुआ जगन्नाथ के पास बॉल, उनके सामने है रामराज, यूनिकॉर्न डीपीएस के पास अभी क्या है आरसीबी शॉट पर उसे भी डिफेंडर मौजूद चांदपुर की टीम के, काफी बड़ी आक्रमण करते हुए यूनिकॉर्न पर उतर आए थे, शानदार डिफेंस करते हुए इंसान पर भी बोल हम भी यूनिकॉर्न डीपीएस को पास करना बोल भागने के बढ़ते हुए और टू इसे सौ पर फिर से चार बढ़ गए डिफेंडर मौजूद। एक हाई वर्जन मुकाबला चलता हुआ यूनिकॉर्न डीपीएस बना टुल्लू इलेवन इंसान पर इसी बीच बोल मिलता हुआ टुल्लू इलेवन इंसान पर 10 नंबर का पद क्या है पास खेल बैठे हैं मिंटू के लिए, मिंटू का पास भूसरी के लिए, सियाली छोड़ा से बिलोंग करने वाले देवजल ग्राम पंचायत के भूसरी काफी प्रचलित खिलाड़ी, मिंटू के पास गेंद पर कॉर्नर मिलता हुआ टुल्लू इलेवन सर पर देखो चोनी के मिसा पर उतरा है अच्छा डिफेंस करते हुए टुल्लू इलेवन सर पर देखो पर बोला बे यूनिकॉर्न के पास 7 नंबर का पास जगन्नाथ के लिए पर टुल्लू इलेवन डिफेंडर मौजूद
बहादुर गोपा एक लंबा शॉट बॉल मिलता है जगनाथ को तीन नंबर का पास पर गलत पास के जरिए बॉल मिलता है सैन बैडमिंटन टीम को कहीं ना कहीं अगर आज बारिश नहीं हो रही तो आज यहाँ आग लग जाती डीपीएस ग्राउंड पे एक धमाकेदार मुकाबला चलता हुआ टुल्लू लेवल चल पर मिले यूनिकॉर्न डीपीएस दस नंबर पर आगे के बढ़ते हुए चुनिस चांदवार को देखते ही देखते गोल करते हुए दस नंबर का मौजो टुल्लू ने भी खिलाड़ी एक शून्य से आगे बढ़त बनाते हुए टुल्लू ने भी सामने और चलता हुआ टुल्लू लेवल सन बैडमिंटन यूनिकॉर्न डीपीएस एक शून्य से अच्छी बढ़त बना चुकी अब तक टुल्लू लेवल सन बैडमिंटन लेकिन अभी भी बहुत समय यहाँ पर दानू जी टीम के पास यूनिकॉर्न डीपीएस की काफी समय है लेकिन अंतिम समय तक एक गोल लोग पाएगा टीम यहाँ पर और ये कमाल की शॉट लेकिन संदीप के द्वारा सुंदर गोल की मानो ऐसे लगा यहाँ पे कि इस गेंद के लिए अपने हाथ में चुंबक फिट किया और जहां वो उछाल लिया रन भरा वही भी गेंद अपनी और आकर्षित करते हुए गेंद का पेड़ नियंत्रण में लिया है टीम में सन बर्बे अपनी काम कर दिया एक गोल यहां पर दाग दिया और जो खिलाड़ी अपने टीम के लिए स्कोर किया वही खिलाड़ी के पास है इस दरमियान गेंद रफ्तार भरा खिलाड़ी सन बर्बे मार्टिन के अच्छे कोहरे गेंद को जाने भर दिया गोलों करवा के लिए और गोलों करवाने यहाँ पर बागुन के लिए थोड़ा सा चढ़ के खेलने के प्रयास लेकिन कहते कहते ये मैच का मध्य तक गेंद के और फर्स्ट हाफ में कर दिया भारत के लेवल का अगर कोई भी खिलाड़ी मौजूद है तो मंच पे आएंगे कृपया करके एक हाई वोल्टेज में जहां पे टीम यूनिकॉर्न डीपीएस जीरो से पिछड़ता हुआ और डिफेंस ने यहां पर पूरी मजबूत कर दिया है कि हम एक गोल को अंतिम क्षण तक लेके जाएंगे इस कोशिश के साथ चार चार खिलाड़ी यहां पर डिफेंस में तैनात है टीम टुल्लू लेवल सन बैडमिंटन लेकिन वर्तमान जैसे बस सेवन के पास के जगह कोनो करवा हल्की सी प्लेसमेंट यहां पर वर्तमान के लिए अब बता आगे बढ़ने की प्रेस में कहना चाहूंगा विशेष रूप से भारत इलेवन डिफेंस एंड टीम बीबीसी कलाइया आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर तैयार होकर चले आएंगे आपको टीम चले आएंगे बीबीसी कलाइया टीम भारत इलेवन डिफेंस और इस मैच के उससे पर जो मैच रहेगा शंभुनाग डिफेंस टीम में बजरंगी एफसी के बाद आपका मैच रहेगा तो वर्तमान स्तर में रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चे मिंटू एक बार जो मिंटू देख प्रयास देख रहा चीखो भी ने क्विक की गेंद को लीज लिया है जैसे वह एट के लिए हल्के से प्लेस पर यहाँ पर देता हुआ मटन बेटे के लिए और बेटे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कमाल की प्लेस पर अच्छी तरह से यहाँ पर करता हुआ शुद्ध नियंत्रण की किरदार पर खेलते हैं और काफी अनुभवी किस प्रकार से डिफेंस किया जाए किस प्रकार से अपनी टीम को लेके जाने का वो पूरी जीव वाले रबरा निभाते हैं हर मोमेंट पर और यहाँ पर दिखता हुआ रबरा के द्वारा कमाल की प्लेस में यहाँ पर जागो अधिक समय तक गेंद पहुंचने का प्रयास करता हुआ यहाँ पर खुद सकमा खाते और मिट्टी की रफ्तार जो कि
मिनटों के बाद तो काफी रन और गाने के साथ गए थे अच्छी तो मिनटों का यहाँ पे गिरता हुआ जीत के पीछे यहाँ पर जाते हुए अब है छोड़ता हुआ क्योंकि इसके भी यहाँ पर गोलों करवा के तो देखते हैं यहाँ पर क्या अंतिम समय में मैच भी यहाँ पर बराबर की स्थिति में आ सकता है नहीं कहना तो बहुत मुश्किल है लेकिन अगले वर्ष के साथ धन्यवाद शानदार मुकाबला चलता हुआ हाई वोल्टेज मुकाबला यूनिकॉर्न डीपीएस एवं टुल्लू लेवल में अब तक एक शून्य से आगे चलते हुए टुल्लू लेवल शान बटे काफी बढ़िया खेल दिखाते हुए पर यूनिकॉर्न डीपीएस भी किसी से कम नहीं खेलने के लिए तैयार होते हुए गाड़ी के पास बाबू के लिए बाबू जो कि हुकूमत का मैं आग लगा दिया थे और एक शानदार शॉट पर अपना अच्छा गोल कीपिंग करते हुए सांबर्डी गोल कीपर कॉर्नर मिलता हुआ यूनिकॉर्न डीपीएस टीम को इसे खुद लेते हुए चलना कप्तान 10 नंबर पर मौजूद जगन्नाथ का शॉट पर छीनते हुए साल बढ़े मिंटू के काफी स्वस्थ समय से बहुत आगे लेके बढ़ते हुए मिंटू पास खेल बैठे अपने सादिक खिलाड़ी खेल बराबर पाता हुआ शानदार गोल यूनिकॉर्न डीपीएस द्वारा टीम के फाइनेंशियल लालू थोड़ा खुश नजर आते हुए और इस मैच के बाद हमारा अगला मुकाबला जो खेला जाएगा संपूर्ण नॉन इलेवन डीपीएस बनाम बजरंगी एफसी दोनों टीम के कप्तान को निवेदन किया अपनी टीम फोर्थ ऑप्शन की ओर ले आएंगे लंबाई 24 फीट की लंबाई
मौका बना दो टीम उसी पर थोड़ी से स्कोर करते हुए एक या दूसरा स्कोर देखने को मिलेगा लेकिन गोल को लेट कर देंगे और चिन्ह में आपस अच्छा बताओ टीम में क्या डिफेंडर टीम से बने आगे बढ़ता है यहाँ पर मुक्ति के लिए अब गुरसी दे गेट को काफी कमाल की प्लेसमेंट 15 नंबर के लिए देखने बात रहेगा ये क्या कटिंग चटिंग करने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश किए थे लेकिन कमाल की प्रोक्यूर कहते कहते इस मैच का ही बेहतर रेगुलेशन टाइम और इस मैच की समाप्ति की घोषणा और इस मैच में अगर देखा जाए तो